महाराष्ट्र में जिला परिषद के उपचुनाव नतीजे भले ही महाविकास अघाड़ी पक्ष में गए हो, लेकिन इन चुनाव में ये सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। जिला परिषद की जीती गई 46 सीटों में से 17 कांग्रेस और 17 एनसीपी और 12 शिवसेना के पक्ष में गई, जबकि पंचायत समिति की 144 सीटों पर कांग्रेस को 35, एनसीपी को 16 और शिवसेना को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे जिस कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी सरकार में कम समझा जा रहा था, वो तीनों में श्रेष्ठ साबित हुई है। महाराष्ट्र जिला परिषद के चुनावी नतीजों ने सूबे की सत्ता संभाल रहे महाविकास अघाड़ी से जुड़े एक दृष्टिकोण को तोड़ दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के तीन दलों में कांग्रेस को सबसे कमतर आंका जाता था। देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना और एनसीपी के सामने कांग्रेस अपनी हैसियत गंवाती जा रही थी। कांग्रेस के कई दिग्गज यह सवाल कर रहे थे कि सरकार में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की चलती है, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं रह गई है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने एकला चलो रे की रणनीति अपनाई थी। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल सभी पार्टियां जिला परिषद के चुनाव में अलग अलग उतरी। अब चुनावी नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि अघाड़ी में बड़ा भाई कांग्रेस ही है, यानी दादा अजीत दादा पवार, पर नाना पटोले भारी पड़े हैं। जिला परिषद के रुझानों में बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर और पंचायत समिति की सीटों में तो बीजेपी से भी 2 सीटें आगे हैं।